अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सईद रूफ हैदर व्लॉग्स। हाँ, यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे, और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, यार पहले सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, शपर शपर जल्दी से। हाँ भाई, तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया। आज का जो व्लॉग है मेरा, वो टोटली जो फेल होने वाला है। अब मेरी जो है ना डिग्री तो कम्प्लीट काफ़ी अर्से हुई हुई थी, और मसला है कि मैं सोच रहा हूँ कि जॉब कर लेनी चाहिए। क्या कहते हैं आप, बताएं जल्दी बताएं, क्या कहते हैं? हाँ भाई, तो जा रहा हूँ मैं जॉब फेयर में। भाई इस वक्त बज रहे हैं रात के 9, ठीक है। सुबह मैं फ्रेश होऊंगा, सुबह 10 बजे तक हम लोगों ने यूनिवर्सिटी पहुँचना है, तो मेरे साथ रहना। देखते हैं कि जॉब फेयर किस तरह होता है, क्योंकि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अटेंड करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ, कंपनीज आएंगी, वो सुबह मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर में आई हैं। वो तब पता चलेगा ना जब आप लोग मेरे साथ रहेंगे, ठीक है? तो मुझे थोड़ा बहुत सोने का टाइम दें, मैं सोगा फिर मिलता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हो गया हूँ रेडी, अब मैं जा रहा हूँ जॉब फेयर में, मेरे साथ रहें, ठीक है? अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का, मैं इतना लेट उठूँ। खैर, अब मेरे साथ रहें, देखें जॉब फेयर में क्या होता है साथ, ठीक है? Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs. ये आ गया मेरा हरामी दोस्त, कॉल अटेंड नहीं कर रहा है, कमीने। इतनी कॉल करेगा भाई, मत सुन। 9 बजे 3 बार कॉल है कि मैंने साइलेंट कर दिया। तो इसने सामान चोरी किया, सामान दिया गया भाई, गिफ्ट दिया गया है, इंटरव्यू में देकर आ गया हूँ, बाकी वो सिविल ड्रॉप करते हैं अल्लाह मालिक है। और उम्र जानी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक, बस सुबह सवेरे कॉल कर रहे हैं 9 बजे, मैंने इसकी वजह से भाई साइलेंट कर दिया तो मैं लेट हो गया। ये यानी मैंने 2 बजे से कॉल किया, 10 बजे तो उठा ही नहीं मैंने जाकर। 21 से नहीं, 27 कॉल एक किया रामी ने। चलो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं जरा 2 बंदों को और पिक कर। कंपनीज भाई, कितनों में आपका नाम आया है? 3 का नाम आया है। 3 का मतलब वो कॉल आएगी। सो गाइस, यकीनन आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया होगा। द सीन इज़ के मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें शूट नहीं की वीडियोस, उसकी वजह ये थी कि क्योंकि मैंने खुद ने जॉब फेयर के लिए अप्लाई किया था, तो इस वजह से मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था, सीरीज ड्रॉप कर रहा था, इस वजह से जो है ना मैं ब्लॉग को उस तरीके से शूट नहीं कर पाया जिस तरह का मैंने सोचा हुआ था। खैर, आपको एक अंदाज़ा हो गया कि जॉब फेयर किस तरह होता है। अच्छा, हाँ, कुछ दोस्त हैं जिनको जॉब फेयर के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जॉब फेयर बेसिकली होता क्या है और ये क्यों कंडक्ट करवाया जाता है। सो बेसिकली जो है ना, जॉब फेयर एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाती है ना इसको। सपोज़ करें मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गई है, और कुछ लोग हैं जो थर्ड सेमेस्टर में हैं या सिक्स सेमेस्टर में या फिर एट सेमेस्टर में हैं, जो कि जॉब करना चाहते हैं,
ठीक है, अब होता ये कि जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो अब मैं जाहिर सी बात है मैं अगर ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट होगी, मैं अपने सीवीज जो है ना जहाँ जहाँ मेरा इंटरेस्ट होगा, जहाँ जहाँ जॉब्स अवेलेबल होंगी मेरी फील्ड के हिसाब से, तो मैं वहाँ पर जाके सीवीज ड्रॉप कर दूँगी। ठीक है, देन फिर मुझे वहाँ से रिप्लाई आया, देन मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो इस तरह का प्रोसेस चल रहा होता है, तो मैं कन्विंस का इशू भी होता है कुछ बाहर दोस्तों को। तो जाहिर सी बात है कंपनीज कराची के अंदर इतनी बड़े बड़े एरियाज़ में है, साइड एरियाज़ में है, कुरुंगी एरियाज़ में है, तो मुश्किल होता है इंटरव्यूज़ को, इंटरव्यू तक जाना है। ठीक है, कन्विंस का इशू होता है। तो यूनिवर्सिटीज एक आपको प्लेटफॉर्म देती है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर 500 या 600 तकरीबन कर 600 कंपनीज जो है ना इंटरव्यू पार्टिसिपेट किया था यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, जिस कंपनीज को आप लाइक करते हो, या आपका ड्रीम है कि यार मुझे फलां कंपनी के अंदर जाना चाहिए, या मुझे यहाँ जाना चाहिए था, या यहाँ मुझे जाना है, कुछ भी एक्सपायर्ड, तो आप वहाँ पर सीवी ड्रॉप करते हो, देन आपको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरव्यू कॉल करते हैं। तो इसी तरह आप वहाँ पर 600 कंपनीज होती हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है, वहाँ से भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है ना यूनिवर्सिटीज ये कनेक्ट करवाती हैं जॉब। तो इसी तरह जो है ना मैंने भी पहली दफ़ा ज़िंदगी में जॉब फेयर के लिए अप्लाई किया, जब मुझे पता चला कि यार हाँ ये सीन होता है, इतनी कंपनीज आती हैं, हम इतना फॉर होते हैं, मैसेज पर मैसेज, ई मेल्स पर ई मेल्स कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। ये बेहतर प्लेटफॉर्म है कि हम एक जगह पर जाकर जो यहाँ जो आपके माइंड के अंदर कंपनीज है उनको जाकर सीधे ड्रॉप करते हैं कैबिन के अंदर। तो ये चीज़ें मोस्टली यूनिवर्सिटी आप ही के लिए स्टूडेंट्स के लिए फेवर है और बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म देती है हम लोगों को, जो यहाँ से काफ़ी लोगों को दोस्तों जॉब भी मिली है, या एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, आपको पता चलता है किससे इंटरव्यूज कनेक्ट किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो भाई मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज दे चुका हूँ, 3 से 4 दफ़ा मीट कर चुका है, मुझे इस ब्लॉग को मैं भी एडिट कर रहा हूँ और सीरीज मैंने दी हुई है। लेट्स सी जहाँ नसीब होगा या बर्फ लिखा होगा अल्लाह की तरफ से, तो वहीं हमें मिलेगा। तो ये है कि भाई ये अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब फेयर में जाने की तो ज़रूर उसको अवेल करें ताकि आप सीख सकें ना। तो बस जाने से पहले ये कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया ना यार अनसब्सक्राइब, लोग वो देखे बोलते हैं, सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद मज़ा आएगा देखने।